फिर आपका थोड़ा सा असिस्टेंट जेलर वाला बताइए कि जब वो आपको मिला था तो कैसी फीलिंग थी और फिर एक्चुअल में जब आप वहाँ पर जाते हो तो क्या होता है वहाँ पर ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को असिस्टेंट जेलर मिल जाता है खासकर लड़कियों को तो हुँ. क्या रहता है कैसी फीलिंग होनी चाहिए इसके बारे में पहले तो मुझे असिस्टेंट जेलर मिला मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है क्योंकि हमेशा सब सुनते हैं ना कि मतलब जेल मतलब हम टीवी में देखते हैं ही वैसे किया हाँ, कि थोड़ा क्रिमिनल लोग होंगे एग्जैक्टली तो ये थोड़ा हॉन्टिंग था कि मतलब जेल में जाके कैसे क्या देखेंगे क्या हुँ। करेंगे हुँ। लेकिन फिर जाना था मेरा एक डायलेमा भी था कि पटवारी में रहूं या फिर उसमें जाऊं बहुत लोगों से डिस्कशन किया कि क्या करूं कैसे करूं लेकिन नो डाउट सी जी के सारे पोस्ट आपको ऑफिसर वाली फीलिंग देंगे तो आ, कोई भी पोस्ट छोटा नहीं होता वो बेस्ट होता है और ये मैंने वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया उसके बाद फिर वहाँ जाने पे शुरू शुरू के दिनों में तो थोड़ा सा अलग लगा क्योंकि जो नॉर्मल जो माहौल होता है ना उससे वो काफ़ी डिफरेंट होता है तो किस तरीके का रहता है मतलब आपका जो पोस्टिंग रहता है वो जेल के अंदर ही हाँ, रोज आपको जाना रहता है ऐसा हाँ, कि आपके कुछ अलग सेक्शंस रहते हैं क्या जॉब रोल रहता है उसके बारे में तो हुँ. जैसे कि कोई भी अगर अ, अ, मतलब लड़कियों की या महिलाओं की पोस्टिंग होती है तो सेंट्रल जेल में ही होती है क्योंकि पांच महिला जेल ही है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर दुर्ग रायपुर सरगुजा और इसमें जगदलपुर में तो ऐसा होता है कि हमको ये पांच जगहों पे ही पोस्टिंग मिलने वाली होती है मुझे मिला था सेंट्रल जेल दुर्ग में तो ये मेन चीज़ ये है कि महिला जेल का होना वहाँ पे शुरू में शुरू में ऐसा देखा जाता है बाद में तो पोस्टिंग आपको स्वतंत्र प्रभार के रूप में और जेलों में दी जा सकती है okay. Okay. तो शुरू में तो ऐसा हुआ कि जेल में मुझे सेंट्रल जेल में मिला और स्टार्टिंग में मुझे स्टार्टिंग जैसे ही होती है ना तो अलग अलग शाखाओं में हम लोगों की ट्रेनिंग होती है तो जैसे मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो मेरा एक ट्रेनिंग का शेड्यूल निकल गया कि मुझे कुछ दिन वारंट शाखा में रहना है कुछ दिन मुझे लेखा शाखा में रहना है कुछ दिन मुझे महिला शाखा में रहना है कुछ दिन मुझे स्थापना शाखा में रहना है और वहाँ के काम को पंद्रह पंद्रह दिन में सीखने का मुझे ऐसा ट्रेनिंग का शेड्यूल था तो मतलब वही था कि जेल के अंदर एक ऑफिस होता है जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं और इन डिपार्टमेंट्स में ही मतलब अलग अलग इन शाखाओं में इन ब्रांच में जाके हमको ट्रेनिंग लेनी होती है तो स्टार्टिंग वहीं से होती है वहाँ से हम सीखते हैं उसके बाद ही फिर धीरे धीरे जो है और हालांकि मेरा मैंने ज़्यादा समय वहाँ दिया दे नहीं पाई मैं क्योंकि जुलाई में, में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और अक्टूबर hmm. में, में मेरा नाब तहसीलदार का जो जॉइनिंग था वो आ चुका था okay. तो जुलाई से सोलह अक्टूबर Okay. बस इतना ही टाइम मैंने जेल में दिया था तो मतलब ऐसा है है ना कि गर्ल्स के लिए सेफ है, डरने वाली तो कोई बात नहीं होती बिल्कुल, है। बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है इनफैक्ट आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा वहाँ कि आप लाइफ में कुछ नया मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए काफी नया रहेगा स्टार्टिंग में मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा माहौल होगा क्या होगा कैसा होगा लेकिन अंदर जाने के बाद ना फील हुआ कि कुछ अलग नहीं है मतलब धीरे धीरे हम यूज टू हो जाते हैं चीजों के और फिर धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी, Security हैं। अच्छी लगती हैं बिल्कुल आपको कभी बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं मुझे problem. कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्योंकि आ, वहां जो जितने भी कैदी हैं या फिर जो भी लोग हैं या प्रहरी हैं है ना जो उनके लिए होते हैं तो वो लोगों के अंदर भी एक डर होता है अगर वो मिसबिहेव करेंगे तो उनकी माफ़ियों में कटौती की जा सकती है या फिर उनकी सज़ा को और बढ़ाया जा सकता है तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं तो वो लोग भी काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और जो ना ऑफिस में जो कैदी होते हैं वो कहीं ना कहीं वेल बिहेवियर और इसकी वजह से उनको रखा जाता है ओके okay, ऑफिस में भी कैदी हाँ ऑफिस में कैदी ही काम करते हैं अच्छा हाँ okay, तो सारे जो वारंट से रिलेटेड जितना मतलब वहाँ जितना स्टाफ नहीं होता उससे ज़्यादा कैदी काम करते हैं ओके okay, तो ऐसा कैसे बनाते हैं कि वो लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं ये हाँ रहता है? ये जैसे कि जो भी कैदी काम करते हैं उनको पारिश्रमिक दर मिलता है okay. वो शायद जो स्किल्ड हैं उनको एग्जैक्टली exactly नहीं सेवेंटी फाइव रुपीज़ जो स्किल्ड होते हैं उनको दिया जाता है पर डे का पर और जो नॉन स्किल्ड है उनको सिक्सटी रुपीज़ तो ऐसा है कि जो वो लोग जो भी कमाते हैं ना उसका फिफ्टी परसेंट जो है वो पीड़ित पक्ष को जाता है Okay. तो जो भी कन्विक्टेड होते हैं अंडर hmm. ट्रायल से काम नहीं करवाया जाता जो भी कन्विक्टेड होते हैं उनमें से जिनके पास जो स्किल होती है hmm. तो अब वो लोग भी अंदर क्या ही तो इसलिए शायद उनसे पूछ के वो जिस काम में हो hmm. वो उनसे वो काम कराया जाता है ओके okay, और, उसके लिए हाँ, पे किया जाता है बहुत सारे कैदी होते हैं जो आजीवन कारावास होते हैं लेकिन अब वो लोग उस टाइम से उनको काम करना उनको पता होता है कि क्या है तो वो तो हमसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि हाँ हाँ ये है ये यहाँ पे ऐसा करना है तो उनको सब कुछ पता होता है इवन किसी की नई पोस्टिंग होगी तो वो बताते हैं कि नहीं मैडम यहाँ पे ये यह, है यहाँ पे ये करना है तो वो ज्यादा काम को सीख गए होते हैं एक्सपीरियंस के बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ ओके okay, तो ओवरऑल मतलब ऐसा आपका और शेड्यूल कैसा रहता है मतलब पूरे दिन भर काम वाम ही करते रहना पड़ता है कि आराम करने का भी टाइम मिलता है बिल्कुल जैसे कि हम लोगों का टाइमिंग होता है हम लोग का टाइमिंग सुबह होता है साढ़े नौ से डेढ़ बजे तक हुआ करता था और शाम को एक टाइम होता था साढ़े पाँच से साढ़े आठ तक लेकिन जो कैदी होते हैं उनका एक शेड्यूल होता था जिसमें उनको सुबह छः बजे उठा दिया करते थे सुबह छः बजे उठाने के बाद वो लोग अपना जो काम करना है उनको खाना पीना और सब कुछ ख़त्म करने के बाद 10 से 10 साढ़े दस, दस ग्यारह बजे तक वो लोग अपना खाना खुद ही बनाते थे तो खाना बनाने का काम भी उनको करना होता था वो सब काम वो लोग मिल करते थे और सबके लिए ना अलग अलग होते थे कि खाना बनाने वाले जो हैं वो इसमें जुड़े होंगे एक राजा का मान होता था जो टॉयलेट्स को साफ करने के लिए करते थे और जो जेल की सफ़ाई करते थे तो ये सब अंदर रूम की सफ़ाई ये सब सफाई वगैरह करने का उनको ये शेड्यूल होता था बारह बजे जो है ना लॉकअप का टाइम हुआ करता था तो लॉकअप के टाइम पे हम लोगों को जाके विज़िट करना होता था कि सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं ये विजिटिंग होने के बाद फिर चार बजे तक ये लोग आराम करते थे अपने रूम में मुझे ना वहाँ एक फैसिलिटी याद है कि रूम के अंदर ना टी लगा हुआ था अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये देख के कि महिलाएँ जो हैं वहाँ ना जो उनको पारिश्रमिक या कुछ मिलता है उन पैसों को इकट्ठा करके वो लोग उसको रिचार्ज करवाया करते थे और जो भी उनको देखना होता था उनके जो शौक़ होते थे वो करते थे फिर शाम का टाइम होता था चार बजे के बाद उनको लॉकअप क्योंकि मैं ज़्यादातर महिला जेल में ही थी तो महिला वाले लॉकअप सेक्शन को मैंने ज़्यादा देखा है तो वहाँ ये होता था कि चार बजे फिर से लॉकअप खुलता था छः बजे मंदिर था वहाँ तो पूजा करते थे वो लोग खाना इन बिटवीन खाना भी वो लोग बना लेते थे और सबको छः बजे खाना का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था फिर छः बजे फिर से लॉकअप लग जाता था तो ये होता था उसके बाद फिर उन लोगों को अंदर ही रहना होता था तो ये है कि वो पूरा दिन लॉकअप के अंदर नहीं रहते हैं उनको टाइम टू टाइम निकाला जाता है ताकि वो अपना डेली का वो कर सकें अच्छा लॉकअप के अंदर ना मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग कैसे तो दो वॉशरूम हुआ करते थे वहाँ पे और उसमें लगभग जैसे दुर्ग जेल में तीन बैरक थे और एक एक बैरक में ना 45 से 47 जो महिलाएं हैं वो रहा करती थे, उनके साथ छोटे बच्चे भी होते थे क्योंकि हर मतलब बच्चे चार से पाँच साल तक के बच्चों को तो रखना पड़ता था उनके साथ में तो वो भी रहते थे और बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैंने ये देखा कि उनको खाने पीने की फैसिलिटी मतलब उनको दूध अंडा ये दिया ही जाता था इवन जेल में ना टीचर्स की भी फैसिलिटी होती है Okay. तो वो लोग टीचर होते थे और ना टीचर वहाँ जाके जो भी बंदी कैदी है ना उनको पढ़ाते थे तो टीचर का एक जॉब होता है एक डॉक्टर का जॉब होता है वहाँ कि वो डेली जो भी कैदी है उनका चेकअप रूटीन चेकअप ऐसा हुँ. मतलब जिनको भी जो प्रॉब्लम है वो लोग आके अपना चेकअप करवाया करते थे तो ये तो मैंने देखा और इवन ना वहाँ महिलाएँ जो हैं वो क्या करती थी उनको अगर अपना टाइम निकालना है तो वो लोग जिनको सिलाई कढ़ाई आती वो लोग सिलाई कढ़ाई किया करते थे तो ये बहुत जिन लोगों को करना होता था वो लोग काफ़ी इनोवेटिव होते थे और ये मैंने ये भी देखा कि फेस्टिवल के टाइम पे ना वो लोग अपने घर की तरह फेस्टिवल मनाया मनाया करते थे नवरात्रि में वैसा माहौल होता था और पंद्रह अगस्त के टाइम पे वो लोग रंगोली बना रहे हैं तो काफ़ी ना जेल वाले माहौल से मतलब मुझे वहाँ जेल वाला माहौल उतना नहीं लगा ऐसा लगा कि एक छोटा सा गांव है जहाँ लोग रहते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं फिर हालांकि उनकी अपनी प्रॉब्लम समस्याएं वो हैं लेकिन मुझे बात से मैनेज करके कि... बिल्कुल वो आपस में ही इतना रहते थे नो डाउट no लड़ाई भी बहुत करते थे झगड़ा <laughs> हुआ करता था उनके बीच में बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी तो कभी जैसे अगर कुछ आ... हिंसा वाली चीज़ें वहाँ पर होती हैं तो वो सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल करते होंगे आप लोग प्रहरी होते हैं हुँ. जिनका तीन तीन चार चार घंटे का स्लॉट में ड्यूटी होती है कभी छः घंटे में होती है तो हर एक बैरक के बाहर एक एक प्रहरी होते हैं क्योंकि हुँ. हम तो हमारी टाइमिंग अलग होती है अगर इन इनकेस कभी ऐसा होता है तो प्रहरी वहाँ होते हैं प्रहरी फिर बाहर के जो प्रहरी होते हैं उनको बुलाते हैं तो इस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली ये देखा गया है कि जो लास्ट के रैंक्स रहते हैं उसमें ये मिलता है तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग फिर से तैयारी करने का सोचते हैं तो क्या इस चीज़ के लिए टाइम मिल जाता है हाँ बिल्कुल जेल डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपको ऐसा सच कुछ ऐसा नहीं करना है आपको बस वहाँ प्रेजेंट रहना है कैदियों के मतलब उनके स्वास्थ्य का कि किसी भी कैदी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो किसी की डेथ ना हो ये वहाँ मेन जिम्मेदारी होती है तो मुझे ऐसा वहाँ जो फ़ील हुआ मुझे कि टाइम काफ़ी मिल जाता है क्योंकि ऑफिस में भी अगर आप चाहें ना तो टाइम निकाल के पढ़ सकते हो दोपहर का टाइम आपका है ही और शाम को भी आप ज़्यादा बिजी नहीं रहते क्योंकि शाम को मैंने देखा कि रिहाई रिहाइयाँ जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी तो उस टाइम पे भी वारंट वारंट शाखा से रिहाई हुआ करती थी तो उस टाइम पे भी अगर रिहाई आई है अदालत से तो वो होती थी अदरवाइज़ उतना वर्कलोड तो मुझे नहीं लगा था नहीं होता था ना